नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यूडाइस के बारे में। यहाँ पर मैं बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, एक एक पॉइंट के साथ कैसे एंट्री करना है, सेक्शन मैनेजमेंट से लेके फाइनल एंट्री तक मैं आपको यहाँ पर पूरी प्रोसेस बताऊँगा ऑनलाइन और दोनों माध्यम से, एक्सेल शीट और ये जो आपका वन बाय वन है। अगर आपके कम स्टूडेंट हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप डायरेक्ट लॉगिन करके सीधे पोर्टल पर ही इसे अपडेट कर दें। तो चलिए, स्टूडेंट एंट्री को लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। नीचे आप देख रहे हैं स्टूडेंट मॉड्यूल दिखा हुआ है, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और गो पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बार फिर से आपको अपना स्टेट नेम लिखा हुआ है, इस बॉक्स के अंदर एक बार फिर क्लिक कर देना है। आपका यूज़र आईडी जो है, डाइस कोड है आपके स्कूल का, उसे आप फिलअप करेंगे और जो पासवर्ड आपको मिला हुआ है उस पासवर्ड से आप यहां पर लॉगिन करेंगे। पासवर्ड चेंज करने की प्रोसेस मैंने पहले ही बता दी है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो रिकवर कैसे करना है तो उसको आप अलग से देख सकते हैं, अगर पासवर्ड आपके पास नहीं है तो। चलिए, इसके साथ ही आप लोगों को यहां पर लॉगिन कर लेना है। यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दिखाई दे जाएगी, आपके स्कूल की इन्फॉर्मेशन है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट है तो आपको यहाँ पर क्लोज विंडो पर क्लिक करके क्लोज कर देना है। अगर ये बिल्कुल नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है और इसे जनरल भी किया जा सकता है, सिंपली यहाँ पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि आपका स्कूल प्राइमरी है कि अपर प्राइमरी है, किस क्लास से लेके किस क्लास तक है, कंबाइन एजुकेशन है, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, रिकॉग्नाइज्ड है या हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, जो भी आपका अवेलेबल यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है तो ये आपकी करेक्ट है, तो आप यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन में कोई एडिट करना है तो स्कूल मैनेजमेंट के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आपको स्कूल मैनेजमेंट लॉगिन में जा कर के स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट लॉगिन, जो कि यहाँ पर भी लिंक दिया हुआ है, ये वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जा कर के आप अपने स्कूल की डिटेल को करेक्शन करें, उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से लॉगिन करके यहाँ से स्टार्ट करना होगा। तो चलिए, अभी इसे क्लोज कर देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके स्कूल की करेक्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके स्कूल की जो डिटेल है पूरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ सब 00 आप देख पा रहे हैं। जितने भी टोटल स्टूडेंट अभी तक आपने यहाँ पर फीड किए होंगे अभी 0 दिखाई देंगे। ये प्राइवेट स्कूल का डेटा है दोस्तों, अगर गवर्नमेंट स्कूल का डेटा होता तो यहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट दिखाई देते, किस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं और फिर हम उनका डेटा यहाँ पर एडिट करते। तो अभी सबसे पहले जब आप देखेंगे, अगर प्राइवेट स्कूल है तो यहाँ पर 0 बताएगा और गवर्नमेंट स्कूल है तो यहाँ पर आपको डेटा ऑलरेडी दिखाई देगा। मतलब लोग जो भी आपके स्टूडेंट हैं उनका नाम, फादर्स नेम, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑलरेडी फिलअप दिखाई देगी हर सेक्शन में जो हम अभी यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और प्राइवेट स्टूडेंट जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो पहली बार प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर 00 दिखाई देगा। तो चलिए, आगे की प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको जो है जाना पड़ेगा ये स्कूल मैनेजमेंट में, सेक्शन, सॉरी दोस्तों, स्कूल मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, सेक्शन मैनेजमेंट में आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि ऐड सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, मतलब आपके स्कूल में कितने सेक्शन हैं वो सेक्शन आपको यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर पहले से, ये बता दूं, अगर नीचे आपको पहले से सेक्शन अपनी क्लासें दिखाई दे रही हैं तो आपको सिंपली क्लास में क्लिक करना है और यहाँ पर सीधे एडिट पर क्लिक करना है। और अब आपको यहाँ पर सेक्शन ऑलरेडी दिख रहा है, ए अगर दो सेक्शन है तो आप और क्रिएट कर सकते हैं, और एक ही सेक्शन है तो आप एक ही सेक्शन रहने देंगे। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी आपका इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और अपडेट कर देना है। तो ऐसा सिर्फ इनके लिए है जिनका यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है स्कूल एंट्री, जो पहले से यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब जैसे यहाँ पर क्लास वन तक की एंट्री, क्लास वन से लेके क्लास एट तक की एंट्री है। अब मुझे नर्सरी भी और केजी वन केजी टू भी जोड़ना है, तो यहाँ पर नर्सरी मैं लिखूँगा और सेक्शन ए बनाऊँगा और यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखूँगा और इसे ऐड सेक्शन में कर दूँगा। तो यहाँ पर सेक्शन एडेड हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो क्लास नर्सरी का आ चुका है। इसी के साथ अब मुझे अगर एक और सेक्शन यहाँ पर जोड़ना है तो फिर मैं फिर नर्सरी क्लास लूँगा और सेक्शन बी यहाँ पर लिखूँगा। ऑलरेडी बी आ रहा है तो ये ऑटोमेटिक आपका आता जाएगा। इंस्ट्रक्शन आपको डाल देना है और फिर ऐड करना। चूँकि मेरे यहाँ एक ही सेक्शन है तो मैं यहाँ पर दूसरा, अब दूसरी क्लास ले लेता हूँ। इस प्रकार आपको हर क्लास के लिए कम से कम एक एक सेक्शन तो यहाँ पर क्रिएट करना है। अब एलकेजी के लिए ले लेते हैं।
तो दोस्तों आपको सिलेक्शन तो आप बिल्कुल सीख गए होंगे कि आपको कैसे यहाँ पर सिलेक्शन करना है, स्कूल सेक्शन जो आपको जोड़ना है। तो जब आपका ये इतना जुड़ जाए तो फिर अब आपको यहाँ पर देखेंगे कि जब आपको डेटा फीड करना रहेगा तो आपको आना पड़ेगा स्कूल डैशबोर्ड में। स्कूल डैशबोर्ड में आएंगे तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नर्सरी KG 1 KG 2 और 1 से लेके 8 तक का डेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, सारे 0-0 दिखाई देंगे। अब जैसे आपको एंट्री करनी है, मान के चलिए KG 1 KG 2 आपके स्कूल में नहीं है, 1 क्लास है, KG 1 KG 2 है, तो आप यहाँ से ऐड स्टूडेंट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट क्लास से बताना चालू करूँगा आपको। यहाँ पर देख सकते हैं ये फर्स्ट क्लास है, सेक्शन ए है, और यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स की अभी काउंटिंग जो है 0-0 है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये काउंटिंग अपने आप बढ़ेगी। आपको ओनली ऐड स्टूडेंट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपका जो है यहाँ पर डेटा फुल ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो स्टूडेंट का नाम है वो आपको फिलअप करना है। तो मैं आपको अभी सिर्फ टेस्ट के लिए बता रहा हूँ, तो टेस्ट 1 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आपका जो जेंडर है वो आपको यहाँ पर मेल फीमेल के तौर पर यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप यहाँ पर डालेंगे। मैं यहाँ पर डेमो के लिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको स्टूडेंट कोड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट कोड आपको डालना है। अब ये स्टेट के अकॉर्डिंग है, तो जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो हमारे यहाँ समग्र आईडी चलता है, स्कूल की मैपिंग होती है, तो समग्र आईडी नंबर यहाँ पर फीड किया जाता है। आपके स्टेट में जो भी कोड चलता हो तो वो कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ये अगर आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो भी एंट्री हो जाएगी। जो कंपलसरी हैं वो यहाँ उनमें सभी में यहाँ पर देख सकते हैं, जो कंपलसरी हैं वो आपको रेड हो जाएंगे अगर आप उनको ब्लैंक छोड़ेंगे। तो जैसे ये राइट का सिंबल यहाँ पर बन के आ रहा है, इसको हमने ब्लैंक छोड़ा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप मदर्स नेम को ब्लैंक छोड़ेंगे तो ये रेड कलर के सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ये मतलब आपका कंपलसरी है, जो भी चीज़ रेड हो रही है, जो बॉक्स रेड हो रहा है वो आपको फीड करना यहाँ पर कंपलसरी है। इसके बाद आपको आधार नंबर फीड करना पड़ेगा, स्टूडेंट का आधार नंबर। आप कोशिश करें कि आपके पास स्टूडेंट का आधार नंबर हो। अगर आपके पास स्टूडेंट का आधार नंबर नहीं है, किसी भी कारणवश नहीं मिल पा रहा है, तो 12 बार आपको 99 यहां पर फीड करना है। और यहां पर अब स्टूडेंट का नाम एज पर आधार कार्ड ये हाईलाइट नहीं होगा। जब आप एक्यूरेट आधार नंबर डालेंगे तभी ये पोर्शन हाईलाइट होगा। और यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नाम अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड फीड करना होगा। और ये जो नाम आपने यहाँ लिखा हुआ है, आपके दाखिला नंबर रजिस्टर, दाखिला रजिस्टर जो है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फीड करना है। इसके बाद एड्रेस फीड करेंगे। एड्रेस कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको यहाँ पर बॉक्स जो है आपका रेड ना हो। अगर बहुत छोटा एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे तो ये एड्रेस जो है देखिए यहाँ पर ले नहीं रहा है जब तक आप इसे फीड करेंगे। अब देखिए इतना एड्रेस कम से कम होना चाहिए। पिन कोड आपको फीड कर देना है अपने स्कूल का, जहाँ भी स्कूल का बोल रहा हूँ, ये स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट का जो एड्रेस है वहाँ की इन्फॉर्मेशन है। तो पिन कोड भी स्टूडेंट के घर का या जहाँ भी रहवास है वहाँ का आपको यहाँ पर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर बिल्कुल कंपलसरी है, इसे आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फीड करना ही होगा। यहाँ पर 99 आप यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा। तो यहाँ पर आप टीचर्स का नंबर यूज़ करें या तो फिर डेमो के लिए आप किसी और का नंबर एक रख लें स्कूल में, किसी एक शिक्षक का, उन्हीं सभी के में ये नंबर आप वहाँ पर फीड कर दें। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मदर टंग्स में आपको अगर हिंदी मदर टंग्स है तो 42 उसका कोड है। यहाँ पर सभी के कोड आपको दिख जाएंगे। तो आपके स्टेट में जो भी आपकी मदर टंग है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको चूज़ कर लेना है। माइनॉरिटी ग्रुप में आप अगर आते हैं तो इसमें से सिलेक्ट कर लेना है, और कोई माइनॉरिटी ग्रुप नहीं है इनमें से तो आपको NA का ऑप्शन जो 7 नंबर पर है वो फीड कर देना है। BPL कार्ड अगर आपके पास है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। नो करने पर ये वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर हाईलाइट नहीं होगा, 4.1.15। यहाँ पर अब आप आगे देखेंगे EWS, तो दोस्तों EWS जो है या तो फिर डिसएडवांटेज ग्रुप जिसे हम बोलते हैं, तो ये अगर SC और ST के अगर कैंडिडेट हैं तो डिसएडवांटेज ग्रुप में।
तो दोस्तों सोशल कैटेगरी अगर एससी एसटी है और या बीपीएल कार्ड है, इन तीन में से कोई भी एक कैटेगरी अगर यस है तो आपको ये डिसएडवांटेज ग्रुप या ईडब्ल्यूएस पे यस करना है। अदरवाइज जनरल ओबीसी हैं और बीपीएल कार्ड नहीं है तो इसे आप नो करेंगे। तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सीडब्ल्यूएसएन दिव्यांग बच्चों के लिए है, अगर जो स्टूडेंट है वो दिव्यांग है तो आपको यस करना है, अदरवाइज इसे आपको नो कर देना है। जब आप इसे यस करेंगे तभी आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ पर खुलेगा, तो किस कैटेगरी में दिव्यांग है वो आपको यहाँ पर फिट करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पर नो करके इसे आगे कर रहा हूँ। अब इसके बाद स्टूडेंट इंडियन सभी के में ये टोटल यस आएगा, तो इसमें आपको बिल्कुल डाउट ही नहीं रहना चाहिए। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ये भी कोई नहीं रहते हैं कि आपके स्कूल के बाहर के चिल्ड्रन हो, तो ये भी सभी में नो आएगा। इसके बाद आपको डेटा को सेव कर देना है और अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये डिटेल जो दिखाई दे रही है ये सब ओके है, कंफर्म है, तो आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है, तो आपका ये डेटा जो है यहाँ पर फीड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फिर से एक ऑप्शन दिखाई देने लगा है, ऐड न्यू स्टूडेंट, और नेक्स्ट का ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इसका डेटा जो है जिस स्टूडेंट की एंट्री कर रहे हैं उसका डेटा कंप्लीट कर दें पूरा, नहीं तो अगर आप फिर ऐड स्टूडेंट करेंगे तो एक बार फिर आपको इन स्टूडेंटों का डेटा ओपन करके उसे फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अभी आपको सीधे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और इसके डेटा को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों हमने जनरल इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर दिया है, हम आ गए हैं एनरोलमेंट डिटेल पर। इसके बाद हम फैसिलिटी वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद एक रिव्यू देखेंगे कि कोई चीज़ छूटी तो नहीं है, और इसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। तो चलिए सेकेंड वाला पोर्शन जो है इसे हम अभी यहाँ पर करेंट में यहाँ पर है। तो एडमिशन नंबर जो आपका है, दाखिला नंबर यहाँ पर आपको फिट कर देना है, एडमिशन डेट आप फिट करेंगे। इसके बाद आपको रोल नंबर यहाँ पर डाल देना है स्टूडेंट का। अगर रोल नंबर नहीं है कोई भी तो आपको सीरियल नंबर से, जैसे अगर स्टूडेंट नंबर 1 है तो उसे 101 करके डाल सकते हैं, 2 में 102 डालेंगे। अब थर्ड क्लास रहेगी तो 301 302 से शुरुआत करेंगे, फिफ्थ क्लास है तो 501 502 503 ऐसा कंटिन्यू करेंगे। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर रोल नंबर उनको अलॉट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो डेट है एडमिशन वो 16/6 की ही यहाँ पर आपके लेगा, तो आप इस डेट को ही डालें। अगर इसके पहले की डेट डालेंगे तो यहाँ पर एडमिशन डेट में रेड कलर का सिंबल आएगा। अगर आपके स्टेट में, हो सकता है ऐसा ना हो, पर हमारे स्टेट में जो है एमपी में ऐसा ही हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर जो है स्ट्रीम पूछा गया है, ये हाईलाइट नहीं होगा, ये सिर्फ 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए रहेगा। प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम अगर दिया था तो यहाँ पर आपको 1 कर देना है। इसी स्कूल में था स्टूडेंट तो भी 1 कर देना है। अब यहाँ पर किस क्लास में था पिछली बार, तो एक क्लास पीछे था, अभी हम फर्स्ट क्लास का कर रहे हैं तो ये प्री प्राइमरी आएगा यहाँ पर। जब हम सेकेंड का करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट आएगा। अब यहाँ पर आपको जो है एक बार फिर से आरटीई के तहत अगर एडमिशन लिया है बीपीएल कार्ड से तो 1 डालना है, अदरवाइज आपको सभी के में 0 यहाँ पर फिट करना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अगर पिछले साल एग्ज़ाम दिया था तो अपीयर्ड होगा 1 के लिए, और पिछले साल अगर एग्ज़ाम नहीं दिया है तो 2 आएगा। इसी के साथ यहाँ पर अगर पास हुआ है तो प्रमोटेड आएगा, फेल हुआ है तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन हैं, डिटेन का भी है, रिपीटर का भी है, ये फेल वाला ऑप्शन है, प्रमोटेड ग्रेस के साथ पास हुआ है तो सेकंड वाला ऑप्शन, और डायरेक्ट प्रमोटेड है पास हुए हैं सीधे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर कितने मार्क्स से पास हुआ है तो यहाँ पर आपको परसेंटेज डाल देना है। यहाँ पर 78% है अगर, तो परसेंटेज का सिंबल नहीं बनाएंगे, यहाँ पर सिर्फ नंबर्स लिख देंगे। इसी के साथ आपका जो स्कूल है कितने दिन लगा है साल में, तो आपको वो यहाँ पर संख्या यहाँ पर लिख देनी है, जितने दिन आपका स्कूल लगा है तो यहाँ पर जितने दिन स्कूल ये स्टूडेंट आया है उस उतने दिनों की संख्या आपको यहाँ पर लिख देना है। अब एक बार फिर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। अब फिर यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब डेटा हमारा आ चुका है फैसिलिटी वाला, अगर कोई सरकार की तरफ से फैसिलिटी मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको यस करना है। सेंटर स्कॉलरशिप है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर कोई स्कॉलरशिप नहीं है तो तीनों में नो कर देंगे। तो दोस्तों सिक्स क्लास से ज़्यादातर स्टूडेंटों को जो है स्कॉलरशिप मिलती है, सिर्फ लड़कियों को और एससी एसटी कैटेगरी की लड़कियों को।
सिर्फ फर्स्ट क्लास से स्कॉलरशिप लड़कियों को मिलती है, वो भी एससी और एसटी कैटेगरी में। तो अगर आपका स्कूल मिडिल तक है और तो आपको सिक्स क्लास फिफ्थ क्लास तक तो सभी के लिए नो करना है, सिर्फ लड़कियों के लिए वो भी एससी एसटी कैटेगरी की हैं, तभी आपको ये स्टेट स्कॉलरशिप को यस करना है। और कितनी स्कॉलरशिप मिलती है वो आपको यहाँ पर फीड कर देना है। आप यहाँ पर सिर्फ नंबर्स लिखेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो इसे भी आप नो कर देंगे। इसके बाद आपको SLD की जानकारी यहाँ पर देना है। अच्छा दोस्तों, एक खास बात और है यहाँ पर, अगर आपको इंग्लिश में फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से लैंग्वेज जो है चेंज कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, है ना। तो हिंदी में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विशिष्ट सीखने की क्षमता है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर नहीं कर देंगे। इसके बाद ये तीनों जो डिसऑर्डर हैं, ये तीनों डिसऑर्डर हैं, यहाँ पर आपको नहीं कर देना है। अगर इनमें से कोई डिसऑर्डर है स्टूडेंट को तभी आप इसे हाँ करेंगे, अदरवाइज इसे नहीं करेंगे। अगर बच्चे को एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में पहचान मिली है तो आप इसे हाँ करेंगे, अदरवाइज इसे भी आप नहीं करेंगे। और अब इसके बाद आपका आता है NCC की जानकारी, अगर NCC में है, स्काउट गाइड में है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर, जमा करें पर क्लिक कर देना है और फिर से इसे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने सबसे तीसरे आखिरी वाले प्रीव्यू में। हमने ये जानकारी कंप्लीट कर ली, सेकेंड वाली ये भी जानकारी कंप्लीट कर ली और इसे भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब प्रीव्यू देखेंगे और अगर इधर पर कोई भी गलती नहीं है, सब चीज़ ओके है, तो आपको डेटा पूरा करें पर क्लिक कर देना है। और एक बार फिर यहाँ पर ये आपको पूछेगा तो आप इसे ओके कर देंगे, तो आपका डेटा जो है यहाँ पर कंप्लीटेड का मैसेज आ जाएगा। अब हम यहाँ पर फिर इसे ओके करेंगे, बैक टू स्टूडेंट जाने से, डैशबोर्ड जाने से अच्छा है दोस्तों आपको ओके करना है और फिर ऊपर आना है और यहाँ से बैक टू छात्र डैशबोर्ड, मतलब स्टूडेंट डैशबोर्ड पर जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास वन आ चुका है, सेक्शन ए और स्टूडेंट का नाम आ चुका है, फीमेल मेल उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंप्लीटेड यहाँ पर लिख करके आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसी प्रकार आपको जितने भी स्टूडेंट हैं सभी की एक एक करके एंट्री कर देना है। आपको ज़रूर लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप चालू करेंगे तो बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जब आप इसको कंप्लीट कर देंगे पूरा, तब फिर आप इसका जो है एक्सेल शीट यहाँ से निकाल सकते हैं, पूर्व अवलोकन में जा करके, या स्कूल डैशबोर्ड में जाएंगे। जब आप यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड में जाएंगे और आप यहाँ से जो है प्रोफाइल जो है कंप्लीट यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक एक छात्र को जोड़ने की तरीका। और अगर मैंने बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया हुआ है, बहुत सारे स्कूलों के फॉर्म मैंने भरे हैं, उसके बाद मुझे ये एक्सपीरियंस आया है, तब जाकर मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है। तो दोस्तों, इसमें कोई और क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। एक बार फिर मैं इसे थोड़ा इंग्लिश में कर दूं, हिंदी में थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सेक्शन मैनेजमेंट में जाएंगे आप देख सकते हैं, और यहाँ से लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट डाउनलोड कर सकते हैं जब आपका कंप्लीट हो जाए। और अभी तो आपको स्कूल डैशबोर्ड में जा करके इनकी एंट्री करनी है। तो दोस्तों, क्लास वन में देख रहे हैं अभी भी यहाँ पर जीरो है, कम से कम आधे एक घंटे के बाद यहाँ पर वन आ जाएगा, जब जो अभी आपने एंट्री की हुई है, तो टोटल स्टूडेंट वन हो जाएंगे। जैसे जैसे आप इसे जोड़ते जाएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंटों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो चलिए ऐड स्टूडेंट एक और आप करके देख लें, और सभी स्टूडेंटों को आपको एक एक करके ऐड कर लेना है। एक खास बात आखिरी में और बता दूं कि जैसा मैंने बताया था कि स्कूल मैनेजमेंट, सॉरी सेक्शन मैनेजमेंट में आकर के अगर यहाँ पर स्कूल दिखाई दे रहे हैं, और अगर आपने यहाँ सेक्शन जो है नॉट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर नॉट अवेलेबल आ रहा है, सेक्शन तो चल जाएगा, ये सेक्शन होना चाहिए, और अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ ब्लैंक आ रहा है, तो अगर ये आपका यहाँ पर नहीं बताता है तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप स्टूडेंट का डेटा जब फाइनल सबमिट करेंगे तब बता देगा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं डला हुआ है, तो आपको फिर से एंट्री करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आपको, इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले सेक्शन मैनेजमेंट को कम्प्लीट करना है और उसके बाद ही आपको स्टूडेंट की डेटा एंट्री करनी है। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट प्रोसेस। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।